दिल्ली शराब नीति मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। वे 26 फरवरी 2023 से ईडी की हिरासत में थे। बता दें कि इस मामले में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथ की पीठ ने 3 दिन पहले आदेश सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी थी। सिसोदिया को 10 लाख रुपए का बॉन्ड भी भरना होगा। मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट की है सुप्रीम कोर्ट ने। मनीष सिसोदिया जी को सीबी और ईडीआई के दोनों मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 17 महीने का इनकार्सिनेशन था, 17 महीने से वो जेल में थे और उनको जो है बेल ग्रांट करी है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मनीष सिसोदिया की तरफ से ट्रायल में कोई देरी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमारे ट्रायल कोर्ट को और हाईकोर्ट को जो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बेल के मामले में वो हर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक ना पहुंचे, उन्हें एक स्ट्रेंथ देनी, उनको 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 स्ट्रेंथ शो करनी चाहिए थी। और जो कार्डिनल प्रिंसिपल है बेल का कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, उसको विथहोल्ड किया है। अभी ऑर्डर आया है, ऑर्डर में हमें कंडीशंस फुलफिल करने होंगे ट्रायल कोर्ट में और जैसे ही वो हो जाएगा फिर हम जो है उनकी रिहाई हो जाएगी। देखिए ये सत्य की जीत हुई है और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य कोई भी सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी जो शायद दिल्ली के स्कूलों को बनाने में काम आता, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में काम आता? जिंदगी के वो 17 महीने आपने जेल में डालकर बर्बाद किए मनीष सिसोदिया के। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से आभार है, सर झुका के नमन है कि लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला, एक फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में, मनीष सिसोदिया जी के पक्ष में, और एक एक कार्यकर्ता इस फैसले से उत्साहित है, एक एक देशवासी दिल्ली का नागरिक इस फैसले से खुश है। और सब ये मानते थे कि हमारे नेताओं के साथ जोर जबरदस्ती और जाति हुई है। हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को अभी भी जेल में रखा है, सत्येन जैन जी को अभी भी जेल में रखा है। मैं उम्मीद करता हूं जल्द ही उनको न्याय मिलेगा। प्रभु से प्रार्थना करता हूं जल्द ही वो बाहर आएंगे। और आज ये जो फैसला आया है, मैं समझता हूं केंद्र की सरकार की तानाशाही पर एक जोरदार तमाचा है। भाई थोड़ा सा हट जाओ ना। आप भी चले जाओ उधर।